पलवल भवन कुंड चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार ने बताया कि गांव आलापुर निवासी मनोज व उसके भाई मोनू ने अगस्त वर्ष 2018 को एक छोटा हाथी वाहन साझे पर लिया था। मोनू बुकिंग पर जाने लगा तो मनोज ने कहा कि बुकिंग पर जाएगा। इसी बात को लेकर मनोज व मोनू में विवाद हो गया। विवाद के दौरान ही मनोज ने मोनू को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मोनू की शिकायत पर आरोपी मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन मनोज काफी समय से पुलिस के कब्जे में नहीं आया। 17 मई को उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि आरोपी मनोज दिल्ली जाने के लिए गांव के मोड़ पर खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही हवलदार अशोक व सियाराम को साथ लेकर मौके पर दबिश दी गई और मनोज को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी मनोज के कब्जे से देशी कट्टा को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पिछले साल अगस्त की घटना है, गांव वालापुर की। एक परिवार के ही हैं दोनों भाई। इन्होंने एक साझली गाड़ी ली थी और उस गाड़ी को आपस में काम पे ले जाने के लिए उनकी आपस में बहसबाजी होने के बाद मनोज ने अपने भाई मोनू को पैर में गोली मार दी थी और यह उसी दिन से भागा हुआ था। पुलिस काफ़ी दिन से इसके पीछे लगी हुई थी और कल हमें इसकी सूचना मिली थी कि भाई ये गांव में आया है और दिल्ली की तरफ जाएगा रोड पे, तो हमने इसको वहां पर मौके पे जाकर इसको काबू किया। उसके बाद इसमें पूछताछ करने के बाद इससे जो वारदात में जो उसने देसी कट्टा प्रयोग किया था उसको बरामद कर लिया है और आज हम इसको आज पेश अदालत करेंगे।